नगर अतिक्रमण से कराह रहा है, आखिर जाम से कब मिलेगा निजात। नमस्कार, मैं अनीश अख्तर, आप देख रहे हैं अनीश अख्तर ऑफिशियल। गोपीगंज नगर अतिक्रमण से करा रहा है, कहीं व्यापारियों ने अपना सामान सड़क तक फैला रखा है तो कहीं सड़क के किनारे वाहनों को बेतरतीब से खड़े किए जाने के चलते जान लग रहा है। जनता को होने वाली परेशानियों से जिम्मेदारों को कोई मतलब नहीं रह गया है। नगर में दिन ब दिन अतिक्रमण एक विकराल समस्या बनती जा रही है। अतिक्रमण के चलते गाड़ियों का ईंधन जल रहा है, स्कूल जा रहे बच्चों को लेकर रिक्शा जाम में फंस जाते हैं, समय पर वह स्कूल नहीं पहुंच पाते। वहीं नगर के अंदर बड़ी गाड़ियां अपने निर्धारित समय पर नगर से गाड़ियों को बाहर निकाल नहीं पाते। त्यौहार का मौसम हो या आम दिन हो, हर दिन खड़ाटी मोहाल, अंजही मोहाल, सदर मोहाल, जीटी रोड पर आड़े तिरछे खड़े वाहनों के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। जितनी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है उससे ज़्यादा नगर पालिका परिषद की होती है। पालिका को पूरा अधिकार है अपने नगर को स्वच्छ साफ सुथरा रखने का बनता है, पर बोर्ड की राजनीति के चलते पालिका के प्रतिनिधि इसमें हाथ ही नहीं लगाते। इसी तरह पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि कस्बे के अंदर नो एंट्री में गाड़ी को न जाने दे। वहीं पालिका प्रशासन की मुख्य जिम्मेदारी बनती है कि नगर को अतिक्रमण मुक्त कराए, नहीं हटाने पर उनके विरुद्ध अतिक्रमण की धारा 131 BNS के तहत कार्रवाई करे। जब कभी पुलिस कार्रवाई करती है तो नेता ही पैरवी करने लगते हैं। पालिका ने छोटे दुकानदारों के लिए वेल्डिंग जोन भी बनाए पर कोई जाना नहीं चाहता। वहीं बड़े व्यापारियों को मंडी समिति में दुकानें दी गई हैं, इसके बावजूद कोई जाना नहीं चाहता। पालिका कोई ठोस कदम नहीं उठाती। कुछ दिन पूर्व जिलाधिकारी की कड़े फटकार पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया, फिर वही ढाक की थी पात वाली कहावत, आखिर कब मिलेगा इस जाम से निजात। नमस्कार, मैं अनीश अख्तर, आप देख रहे हैं अनीश अख्तर ऑफिशियल।